हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टैटिक जीके सीरीज। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मेल एंड फर्स्ट फीमेल इन इंडिया, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से। कल के टॉपिक में हमने इंडियन ऑथर्स एंड देयर बुक्स ये पार्ट कवर किया है, तो आज हम फर्स्ट मेल एंड फीमेल इन वर्ल्ड एंड इन इंडिया, ठीक है, ये टॉपिक कवर करेंगे। आज तो हम जो भी फर्स्ट मेल एंड फीमेल इन इंडिया है वो कवर करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक में फर्स्ट मेल एंड फीमेल इन द वर्ल्ड ये टॉपिक कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से। फर्स्टली इन द गवर्नेंस पार्ट, फर्स्ट इन इंडिया ये देखते हैं। हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आवर इंडिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। And first Vice President of India, he is a Sarvepalli Radhakrishnan. Who is the first President of Indian National Congress? It is a Vomesh Chandra Banerjee. एक बात ध्यान में रखो, what is the Indian National Congress? ये एक committee थी, right? 1885 को form हो गई थी ये, ठीक है। तो इसके जो first President थे वो Vomesh Chandra Banerjee थे। First Prime Minister of India is Jawaharlal Nehru. Who is the first election commissioner of India? सुकुमार सेन। आपको ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये स्टैटिक पार्ट है, आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा इसे। फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया इज ए लॉर्ड कैनिंग। हु इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया? ही इज अ लॉर्ड विलियम बेंटिक। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? ही इज अ एच जे कनिया। हु इज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? जी वी मावलंकर। फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। हु इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया? ही इज अ पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, हमने जब पॉलिटिकल टॉपिक देखा है उसमें लोकपाल का जो देखा था उसमें हमने फर्स्ट चेयरमैन देखा है, राइट? ये अभी 2019 में ही अपॉइंट किए गए हैं, पिनाकी चंद्र घोष। उसके बाद हु इज द, अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडिया में फर्स्ट क्या आता है ये देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले, विच इज अ फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट? इट इज अ सिद्रापोन, इट इज लोकेटेड एट दार्जिलिंग। हु इज अ फर्स्ट मैन इन द स्पेस? ठीक है, कौन था जिसने फर्स्ट स्पेस वॉक किया था फ्रॉम इंडिया? ही इज अ राकेश शर्मा। फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इज अप्सरा, इट इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र। विच इज अ फर्स्ट सैटेलाइट मेड इन इंडिया? इट इज अ आर्यभट्टा। फर्स्ट सक्सेसफुली इंडिजिनियस लॉन्च व्हीकल, ये है SLV-3। ठीक है, ये सीक्वेंस होती है सीरीज की, ठीक है, जो सक्सेसफुल हो गई वहाँ से हम उस सीक्वेंस का नाम स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे जो फर्स्ट सक्सेसफुल इंडिजिनियसली लॉन्च व्हीकल था वो कौन सा था? SLV-3। उसके बाद फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्रोडक्ट इन इंडिया? इट इज अ BT1 प्लांट हाइब्रिड। ठीक है, अब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में आज के समय में हम बहुत सारे जेनेटिक क्रॉप्स देते हैं, जैसे BT कॉटन, BT ब्रिंजल, राइट? ये अभी न्यूज़ में है क्योंकि उसमें कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है कि वो यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके साइड इफेक्ट्स एंड बेनिफिट्स क्या है। लेकिन अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की, अगर हमारे डे टू डे लाइफ में फॉर फूड पर्पज का यूज के बारे में अगर बात करते हैं, तो इट may have many side effects which are proved by scientists. So अभी ये controversy में है कि उसका use करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। First, who is a first graduate in medicine? सुरजो कुमार चक्रवर्ती, he is the first graduate in medicine. Who is the first Indian to be appointed as a deputy director general of program of World Health Organization? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। फर्स्ट सैटेलाइट अर्थ स्टेशन ऑफ फॉर डोमेस्टिक कम्युनिकेशन? इट इज लोकेटेड एट सिकंदराबाद। एंड हु इज द फर्स्ट इंडियन टू गेट अ नोबल पीस प्राइज इन फिजिक्स? ही इज अ सीवी रमन। वी शुड नो दिस बिकॉज ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछे जाते हैं और ये बहुत सिंपल होते हैं लेकिन आपको मालूम नहीं होते हैं, इसलिए आपके मार्क्स जाते हैं यहाँ पे, ठीक है।
तो आपको एटलीस्ट एक ओवरव्यू तो करना चाहिए इस क्वेश्चन से, ठीक है। उसके बाद डिफेंस के बारे में बात करते हैं, व्हाट इज फर्स्ट इन इंडिया। फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज बलदेव सिंह, एंड फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ फ्री इंडिया के एम करियप्पा भी बोलते हैं उनको। फर्स्ट कमांडर इन चीफ इन इंडियन एयरफोर्स इज सुब्रतो मुखर्जी। फर्स्ट फील्ड मार्शल इज सैम मानिकशॉ। अब इन्होंने बहुत सा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था जब बांग्लादेश का सेपरेशन होना था, ठीक है। तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको याद रख सकते हैं, ही इज अ फर्स्ट फील्ड मार्शल। उसके बाद फर्स्ट परमवीर चक्र विनर इज मेजर सोमनाथ शर्मा, एंड फर्स्ट फीमेल जवान इन आर्मी इज अ सेपर शांति तिगम। फर्स्ट इंडियन वुमन टू फ्लाई फाइटर एयरक्राफ्ट विदाउट को पायलट इज अ एयरफोर्स ऑफिसर अवंती चतुर्वेदी। फर्स्ट कॉस्मोनॉट ऑफ इंडिया अभी हमने डिस्कस किया, ही इज अ स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। ही इज अ फर्स्ट कॉस्मोनॉट टू गो इन स्पेस। हु इज अ फर्स्ट वुमन इन इंडियन आर्मी अवॉर्डेड द कोटेड स्वॉर्ड ऑफ ऑनर प्राइज। शी इज अ दिव्या अजीत कुमार। अब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, फर्स्ट इन इंडिया इन रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। फर्स्ट ओलंपिक टीम मेडल कब लाया था हमारे इंडिया ने? गोल्ड लाया था, और इन द फील्ड ऑफ हॉकी इन 1928 इन समर ओलंपिक। फर्स्ट इंडियन वुमन रेसलर टू विन एन एशियन गोल्ड मेडल, शी इज अ नवजोत कौर। शी इज अ फर्स्ट वुमन रेसलर टू विन अ एशियन गोल्ड मेडल। हु इज अ फर्स्ट इंडियन वुमन बैडमिंटन प्लेयर टू विन अ एशियन गेम मेडल, शी इज अ सानिया नेहवाल। हु इज अ फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन अ मेडल एशियन गेम, शी इज अ शांति सौंदरंजन। उसके बाद हु इज अ फर्स्ट पर्सन टू विन इंटरनेशनल ब्रॉन्ज मेडल इन स्कीइंग, शी इज अ आंचल ठाकुर। फर्स्ट वुमन टू विन अ ओलंपिक सिल्वर मेडल, पी वी सिंधु इन बैडमिंटन। अब यहाँ पे ओलंपिक में सबसे पहले जो वुमन ने प्राइज गोल्ड मतलब कोई भी मेडल लाया है वो पी वी सिंधु है, और वो क्या खेलती है? बैडमिंटन खेलती है। उसके बाद फर्स्ट फीमेल रिप्रेजेंट इंडिया एट द समर ओलंपिक, सबसे पहले ऐसी कौन सी फीमेल है जिसने समर ओलंपियड में उसका रिप्रेजेंटेशन किया था? शी इज अ नोरा कोली इन 1924 इन समर ओलंपिक। उसके बाद फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल वन बाय अभिनव बिंद्रा इन 2008 समर ओलंपिक, कहाँ पे हुआ था वो? बीजिंग में। फर्स्ट वुमन टू विन मेडल इन रेसलिंग, शी इज अ साक्षी मलिक। कौन सा मेडल लाया था? ब्रॉन्ज मेडल इन 2016, इट वॉज समर ओलंपिक। उसके बाद अगर हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं, तो फर्स्ट इन आर्किटेक्चर इन इंडिया, तो फर्स्ट टेम्पल कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ सिंगल रॉक, इट इज अ कैलाश टेम्पल एट येलोरा। फर्स्ट चर्च इन इंडिया इज अ सेंट थॉमस चर्च एट पलायोर। फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया, इट इज अ चरमन जमा मस्जिद इन मेथाला। फर्स्ट डैम इन इंडिया इज अ कलनई डैम। फर्स्ट इंडियन टेम्पल विथ मेनी इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर, इट इज अ बृहदेश्वर टेम्पल लोकेटेड इन तमिलनाडु। अब ये तो हो गया आर्किटेक्चर में। अब हम जो भी एग्जाम्स हुए हैं कॉम्पिटिटिव के, ठीक है, रेलवेज, यूपीएससी, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक रेलवेज, एसएससी एंड एलआईसी एंड मेनी अदर एग्जाम्स, उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक के, ठीक है, तो उसके ऊपर हम फोकस डालते हैं और उसका भी यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो ये सब पूरी लिस्ट जो मैंने बनाई है, वो सब मैंने जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसमें से क्वेश्चंस निकाल के मैंने ये लिस्ट बनाई है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ब्रिटिश टू विजिट इंडिया इज अ हॉकिन। अब जो ये हॉकिन थे, वो जो मुगल एम्परर थे जहांगीर, उनके टाइम में उन्होंने विजिट किया था इंडिया में। फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम टू विजिट इंडिया इज अ फाहियान। फर्स्ट इंडियन टू रिएक्ट
रीच अंटार्कटिका इज ए लेफ्टिनेंट रामचरण, ये अंटार्कटिका में पूछा गया है, ठीक है, तो ही इज ए रामचरण. फर्स्ट जज इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज डॉक्टर नागेंद्र सिंह. फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज अ बद्रुद्दीन तैयब जी. ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चंस, बहुत सिंपल क्वेश्चन देते हैं. देखो, अब हमने जो स्टडी किया था वो क्या स्टडी किया था कि हु इज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो वो कौन थे, वो मिस चंद्र बनर्जी थे. अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसा पूछा गया है आपको, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, तो यहाँ पे कौन आएगा, बद्रुद्दीन तैयब जी. उसके बाद फर्स्ट पोस्ट ऑफिस ओपन इन इंडिया इज एट कोलकाता, कब ओपन किया गया था वो, 1727 को. फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ इंडिया, उसका नाम क्या क्या दिया गया था, इंदिरा, उसको बेबी हर्षा भी बोला जाता है. नेक्स्ट, फर्स्ट वैक्स स्टैच्यू ऑफ लिविंग इंडियन किसका बनाया गया था, महात्मा गांधी, कहाँ पे, मैडम टुसाउड इन 1939 में. इंडिया फर्स्ट लोकसभा मेंबर टू बी इलेक्टेड विद रिकॉर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स. ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर थे या कोई भी एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिनको इलेक्शन में बहुत मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स मिले हैं, ऐसे कौन है, तो वो पीवी नरसिंह राव है. ठीक है, इंडिया फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी, इट इज आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी. इंडिया फर्स्ट यूनिवर्सिटी इज अ नालंदा यूनिवर्सिटी. क्वेश्चन देखो कैसे कॉम्प्लिकेशन है, फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी एंड फर्स्ट यूनिवर्सिटी. ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ओपन यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश की है और फर्स्ट यूनिवर्सिटी इट इज इन नालंदा, इट इज इन बिहार. उसके बाद इंडिया फर्स्ट मैन इन स्पेस, इट इज राकेश शर्मा. फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, जीवी मावलंकर, हमने ये देखा, गणेश वासुदेव मावलंकर, राइट. फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वुमन रूलर ऑफ द इंडिया, शी इज अ नजिया सुल्तान. ठीक है, हमने जो मिडिवल इंडिया का स्टडी किया है हिस्ट्री में, वहाँ पे हमने देखा शी वॉज अ फर्स्ट मुस्लिम वुमन एंड शी वॉज अ लास्ट मुस्लिम रूलर टू रूल इंडिया, शी इज अ नजिया सुल्तान. द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन टू बी गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, ही इज अ सी राजगोपालचारी. फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ही इज अ लॉर्ड वॉरंग हेस्टिंग फ्रॉम 1774 टू 1885 तक. वो फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे. फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड विलियम बेंटिक. अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे बहुत सिंपली दिया है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ये बंगाल का गवर्नर है लॉर्ड वॉरन हेस्टिंग एंड लॉर्ड विलियम बेंटिक, ही इज अ फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ ऑल ओवर इंडिया. ठीक है, उसके बाद फर्स्ट ब्रिटिश वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, ही इज अ लॉर्ड कैनिंग. फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन. फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस हीरालाल कनिया, ही इज अ फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जनरल महाराज रंजीत सिंह जी. फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर इज अब्दुल कलाम आजाद. हम उनके बर्थडे पे एजुकेशन डे भी मनाते हैं, राइट. फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया, SHF मानिक शॉ, ही इज अ फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया. फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, लॉर्ड माउंटबेटन. फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल. फर्स्ट इंडियन एयर फोर्स, एयर चीफ मार्शल इज एस मुखर्जी. एंड फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया इज अ जनरल करियप्पा. हम सीके करियप्पा भी बोलते हैं उनको, राइट. फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल इज SP सिन्हा. जो सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं उनको एज अ वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया जाता है, राइट. और
उनके हिसाब से फर्स्ट इंडियन मेंबर टू ज्वाइन अ वॉइसरॉय इज अ एसपी सिन्हा, फर्स्ट इंडियन नेवल चीफ इज अ वॉइस एडमिरल आरडी कटारी, फर्स्ट इंडियन पायलट इज अ जेआरडी टाटा इन 1929, फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस अ इंग्लिश चैनल इज मिहिर सेन, फर्स्ट इंडियन टू गेट अ नोबल प्राइज इन फिजिक्स इज अ सी वी रमन, फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द इंडियन सिविल सर्विस इज सत्येंद्रनाथ टागोर, फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड इज डॉक्टर राधाकृष्णन, फर्स्ट इंडियन टू विन नोबल प्राइज इज रविंद्रनाथ टागोर, फर्स्ट जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज डॉक्टर नागेंद्र सिंह, फर्स्ट लेडी टू बिकम अ मिस वर्ल्ड इज अ रीता फारिया, हु इज अ फर्स्ट मैन हु इंट्रोड्यूस्ड प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया जेम्स हिकी, हु इज अ फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर झाकिर हुसैन, हु इज अ फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बदरुद्दीन तैयबजी, हु इज अ फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक इज अ डॉक्टर जाकिर हुसैन, हु इज अ फर्स्ट इंडियन पर्सन टू रिसीव अ नोबल प्राइज इन मेडिसिन ही इज अ हरगोविंद खुराना, हु इज अ फर्स्ट पर्सन टू गेट अ परमवीर चक्र ही इज अ मेजर सोमनाथ शर्मा, हु इज अ फर्स्ट पर्सन टू रीच माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन ही इज अ शेरपा अंगादोरगी, हु इज अ फर्स्ट पर्सन टू रिसीव अ ज्ञानपीठ अवार्ड ही इज अ श्री शंकर कुरुप, एंड हु इज अ फर्स्ट पर्सन टू रिसीव अ मैग्सेसे अवार्ड ही इज अ आचार्य विनोबा भावे, आफ्टर दैट हु इज अ फर्स्ट पर्सन टू रिसीव नोबल प्राइज इन इकोनॉमिक्स ही इज अ अमर्त्या सेन, हु इज अ फर्स्ट पर्सन टू रिसीव अ स्टालिन प्राइज ही इज अ सैफुद्दीन किटलू, आफ्टर दैट द फर्स्ट पर्सन टू रिजाइन फ्रॉम द सेंट्रल कैबिनेट ही इज अ श्यामा प्रसाद मुखर्जी, द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु डाइड वाइल इन ऑफिस इज अ डॉक्टर झाकिर हुसैन, ठीक है, जब ऑफिशियल टाइम चल रहा था तभी डॉक्टर झाकिर हुसैन की मौत हो गई थी, ठीक है, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज वाई सी बैनर्जी, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया इज पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु डिड नॉट फेस द पार्लियामेंट इज अ चरण सिंह, मतलब वो पार्लियामेंट में गए ही नहीं थे, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु रिजाइन्स विदाउट कंप्लीटिंग द फुल टर्म इज अ मुरारजी देसाई, ही इज अ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डॉक्टर राधाकृष्णन, द फर्स्ट वुमन एयर वॉइस मार्शल इज पी बंदोपाध्याय, द फर्स्ट वुमन एयरलाइन पायलट इज दुर्बा बैनर्जी, द फर्स्ट वुमन एम्बेसिडर मिस सीबी मुथम्मा, द फर्स्ट वुमन एशियन गेम गोल्ड मेडल विनर इज कमलजीत सांधु, द फर्स्ट वुमन चेयरमैन ऑफ यूपीएससी इज रोजेमिलियन बेथ्यू, द फर्स्ट वुमन चेयरमैन ऑफ इंडियन एयरलाइन इज सुषमा चावला, फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज मिस्ट्रेस लीला सेठ, फर्स्ट वुमन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट इज मिस्ट्रेस सुचिता कृपलानी, फर्स्ट वुमन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इज कंचन चौधरी भट्टाचार्य, उसके बाद हु इज द फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ स्टेट इन फ्री इंडिया, मिस्ट्रेस सरोजनी नायडू, शी वॉज द फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ फ्री स्टेट, हु इज द फर्स्ट वुमन ग्रेजुएट कदम्बिनी गांगुली एंड चंद्रमुखी बासु, दे हैव ग्रेजुएटेड फर्स्ट टाइम इन 1883, द फर्स्ट वुमन ऑनर ग्रेजुएट इज अ कामिनी रॉय इन 1886, हु इज अ फर्स्ट वुमन आईपीएस ऑफिसर शी इज किरण बेदी, हु इज अ फर्स्ट वुमन जज आना चांडी शी बिकम फर्स्ट जज इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन 1937, हु इज अ फर्स्ट वुमन जज इन सुप्रीम कोर्ट मिस्ट्रेस मीरा साहिब फतिमा बीबी, शी इज अ फर्स्ट वुमन जज इन सुप्रीम कोर्ट, हु इज अ फर्स्ट वुमन जज इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कुमारी जस्टिस एम फतिमा बीबी,
हु इज द फर्स्ट वुमन लॉयर? कॉर्नेलिया सोरबजेल. हु इज द फर्स्ट वुमन लेफ्टिनेंट जनरल? शी इज अ पुनीता अरोरा. हु इज द फर्स्ट वुमन मिनिस्टर इन गवर्नमेंट? राजकुमारी अमृता कौर. उनके पास कौन सी मिनिस्ट्री थी? हेल्थ मिनिस्ट्री थी. द फर्स्ट वुमन ओलंपिक मेडल विनर? शी इज अ करुणा मल्लेश्वरी. कब मिला था उनका फर्स्ट ओलंपिक मेडल? इन 2000. हु इज द फर्स्ट वुमन पायलट इन इंडियन एयरफोर्स? हरिता कौर दयाल. ठीक है, हरिता कौर दयाल, शी वॉज द फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स पायलट. हु इज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? मिस्टर्स एनी बेसेंट. और उसके बाद सरोजनी नायडू. हु इज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हु इज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली? शी इज अ विजयालक्ष्मी पंडित. हु इज द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर? शी इज इंदिरा गांधी. द फर्स्ट वुमन स्पीकर ऑफ स्टेट असेंबली इज अ शन्नो देवी. हु इज द फर्स्ट वुमन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट? बचेंद्री पाल. हु इज द फर्स्ट वुमन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ट्वाइस? शी इज अ संतोष यादव. अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूज हो सकता है कि ये लड़के का नाम है या लड़की का नाम है. ठीक है, ये वुमन का नाम है. द फर्स्ट वुमन टू क्लाइंब अक्रॉस इंग्लिश चैनल? शी इज अ आरती सहा. हु इज द फर्स्ट वुमन टू रिसीव अशोक चक्र? शी इज अ निर्जा बनौत. अब ये चीज़ आपको मालूम होगी क्योंकि यहाँ पे एक मूवी भी रिलीज हुआ है उनके नाम पे, निर्जा नाम का. उनको अशोक चक्र प्राप्त हुआ है. द फर्स्ट वुमन टू रिसीव भारत रत्न इज इंदिरा गांधी. हु इज द फर्स्ट वुमन टू रिसीव अ ज्ञानपीठ अवार्ड? शी इज अ आशापूर्णा देवी. हु इज द फर्स्ट वुमन टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड? शी इज अ आशापूर्णा देवी. द फर्स्ट वुमन टू रिसीव अ नोबल प्राइज इज अ मदर टेरेसा. यहाँ पे जो भी हमारे आज का टॉपिक के इम्पॉर्टेंट क्रक्स थे ये हमने डिस्कस किए. मतलब यहाँ पे, मतलब जो भी क्वेश्चंस आए थे आज तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से, वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए. और बाकी के जो फर्स्ट मेल फर्स्ट फीमेल थे वो भी हमने यहाँ पे कवर किए इन वेरियस फील्ड्स लाइक डिफेंस, साइंस, स्पोर्ट्स, राइट. तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक खत्म हो जाता है. नेक्स्ट लेक्चर से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, राइट. तब तक के लिए थैंक यू.